फैक्ट्री से 26 बच्चों को बचाया गया है और इस फैक्ट्री में इन बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही थी, लेकिन 15 दिन बाद भी कार्रवाई के नाम पर फाइल सिर्फ एक विभाग से दूसरे विभाग जा रही है। वहीं मामले में एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर से खास बातचीत की स्वास्थ्य संवाददाता ने। ये फैक्ट्री पर छापा पड़े आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो विभागीय अधिकारी हैं सिर्फ एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। तो वही उनका कहना है कि हम पुलिस को ये केस सौंप दिए हैं, आगे वो क्या कर रहे हैं वही जाने। तो इस वक्त हम एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर जी के पास हैं, उनसे जानते हैं कि इस मामले पे क्या कार्रवाई हुई है। सर, श्रम विभाग ने कार्रवाई जो ये कार्रवाई है आपको सौंप दी गई है, ये मामला को किस तरह से कार्रवाई होगी? इस प्रकरण में थाना विधानसभा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो विवेचना के परिक्रम में जो उसके मैनेजर ने उसकी अरेस्टिंग हुई है, अरेस्टिंग के बाद उसको न्यायालय पेश किया गया है और इसमें जो इनके जो मालिक हैं उनका पता तलाश किया गया। पता तलाश में ये बात सामने आई कि जो इनके मालिक एक इनको कोई बीमारी उसके इलाज के लिए विदेश गए हुए हैं, विदेश से आने के बाद इनकी विधिवत गिरफ्तारी प्रत्यक्ष की जाती है। फिलहाल इस मामले में जो उनके जो प्रमुख हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है और उनकी गिरफ्तारी होती इसमें जल्द ही न्यायालय चालान पेश कर दिया जाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये FIR दर्ज हुआ है ये कंपनी पर हुआ है या संचालक पे? इसमें क्योंकि जो भी FIR होता है व्यक्ति व्यक्ति विशेष के लिए होता है, जो भी उसके संचालक रहते हैं, जो भी उसके मालिक रहते हैं उनके खिलाफ होता है और इसमें गिरफ्तारी व्यक्ति की होती, किसी कंपनी की गिरफ्तारी नहीं होती है। और इसमें अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें उसके जो मैनेजर है जो उसका पूरा संचालित करते हैं उसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसके जो मेन मालिक हैं वो अभी बाहर हैं और उनके आते ही उनकी विधिवत गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इस मामले में कौन कौन से धारा लगाए गए हैं? उक्त प्रकरण में IPC की धारा 370 का व बाल संरक्षण अधिनियम 1915 की धारा 79 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और उसी के तहत इसकी गिरफ्तारी की गई है। सर, जैसे कि बाल श्रम अधिकारी हैं, महिला बाल विकास, वो कह रहे हैं कि पुलिस को इसमें कार्रवाई करना चाहिए, क्या ये सही है? पुलिस के अंतर्गत जो भी कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें अब मैं आपको बताया कि IPC की धारा 370 का और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 1915 के तहत हम लोग उसमें अरेस्टिंग किए हैं और न्यायालय पेश किया। बाद में इसमें जांच का विषय है, जांच में और भी जो बात सामने आएगी उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपने सुना एडिशनल SP प्रफुल्ल ठाकुर जी को, जिनका साफ कहना है कि ये इन दो धाराओं के आधार पर इन पर कार्रवाई की गई है और फिलहाल जो इसके संचालक उनके मालिक है वो विदेश पर हैं, जब वो आएंगे तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।